हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। हमारे साइंस स्टडी जे के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है गॉस की प्रमेय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो क्लास 12th यूके बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। वैसे ये आप रट लीजिए क्योंकि ये अगर नहीं आया तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते रहेंगे, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस के प्रमेय, तो इससे रिलेटिव मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये कैसे गॉस की प्रमेय को सिद्ध करते हैं पूरे विस्तार से आपको समझाऊंगा। तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, और इससे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। तो हम देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय में क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हमारा फाई ई है तो उसमें परिबद्ध कुल आवेश क्यू तथा 1/ε0 गुणा होता है। ये इसका जो परिभाषा है, ये परिभाषा हम अच्छे से इसमें समझेंगे। तो हम इधर देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि नहीं। इसमें हमने ये भी लिखा, यही अभी हम बता रहे थे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। हाँ, तो उस पृष्ठ द्वारा परिवर्त कुल आवेश क्यू तथा 1/ε0 गुणा होता है। 1/ε0 गुणा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो अगर ये गॉस का प्रमेय जो होता है, गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, इसमें ये जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति में देख लेते हैं ये क्या है। एक ये वैद्युत फ्लक्स है, ये पूरा घिरा हुआ है, तो ये जो बिंदु है, बिंदु ओ जिस पे प्लस क्यू, ये धन आवेश है, ये धन आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर है, और इनके बीच का जो कोण है, ये कोण थीटा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हमने इसमें भी वही लिखा, माना कोई बंद पृष्ठ, ये कोई एक बंद पृष्ठ है, एस है, बंद पृष्ठ एस है, एस के भीतर एक बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ है, ओ पर क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर ये बिंदु पी है, पी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, E = 1/4πε0 q/r² ये होता है, ये इस बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, किसी बिंदु से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये किसी बिंदु है, हाँ, ये बिंदु से निकलने वाला, मतलब दोस्तों ये जो इस बिंदु से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, मतलब इतने के लिए, अब हम इतने के लिए देखेंगे। तो हम लिख लेते हैं, किसी बिंदु से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी बिंदु से
निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या था? फाई। हम डी फाई लगा देंगे इक्वल टू ई डी। ये ई है, ये डॉट डी, ये है चूंकि ये वेक्टर है। क्या है? ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर हटेगा, तो इसमें ये क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच ये क्या है, थीटा कोण है। तो हम क्या करेंगे, इसको डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए। अगर ये वेक्टर को हटाएंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तुमने ये भी जान लिया, ये वेक्टर को हटाने के बाद एक कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसके बाद जहाँ ये डी ए जो है, ये क्षेत्रफल स्वल्पांश है, स्वल्पांश है, इसका जो क्षेत्रफल है टोटल, हाँ तो इसका स्वल्पांश है, मतलब ये छोटा सा कोई अंश है, इसे हम स्वल्पांश कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का स्वल्पांश है। और ये जो थीटा है, थीटा क्या है, ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के बीच का कोण है ये थीटा। तो इतना हमने जान लिया। अब ये वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम। इसमें ये जो गाउस की परिमेय है इसको हम अब सिद्ध करेंगे। तो इसमें ये वाला अगर हम मिटा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अभी रहने दीजिए, अगर मिटाना पड़ा तो मिटा देंगे। वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यही हमारा ये आया था अभी, हाँ यही वाला हमने यही पर यहाँ पे लिखा अभी। तो ई हमारा क्या है, ई हमारा क्या है, बिंदु पी पर, ये बिंदु पी है, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ तो हम ई को पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ई के जो मान है इसको हम डाल देंगे यहाँ पर। डी फाई ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इधर क्या है, डी ए कॉस थीटा, ये हो गया। तो हम इसके नीचे जो ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को हम इसके नीचे ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। डी फाई ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। हाँ अगर हम ऐसे लिख भी लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये जहाँ ये डी ए हमें पता है कि इसमें क्या क्या होता है कि नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चूंकि जो हमारा डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, इज इक्वल टू डी ओमेगा। क्या होता है फ्रेंड्स, डी ओमेगा।
तो हम लिख लेते हैं इसलिए डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू। ये हमारा क्या बन जाएगा डी ओमेगा, क्या बन जाएगा डी ओमेगा, जो पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण है, क्या है बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण है, ये डी ओमेगा क्या है, ये डी ओमेगा घन कोण है। तो इतना हमने जान लिया। तो अब हम ये डी को इस गल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये समाकलन यानी इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो हम वो भी कर लेते हैं डी फाई ई, ये डी को हम इस साइड में लेके जाएंगे 1/4 pi epsilon naught क्यू और इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब फ्रेंड्स आपको पता है चूंकि डी ओमेगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 4 pi, यही होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया क्या है, किसी बिंदु पर बनाया गया कोण है, किसी बिंदु पर बनाया गया जो कोण ये 4 pi होता है। तो ये डी ये हम ये भी एक फॉर्मूला ही होता है इंटीग्रेशन, ये हमारा चुकी है, चुकी इंटीग्रेशन यानी समाकलन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 pi होता है, तो हम इसको यहाँ पे डिनोट कर देंगे। नीचे और एक लाइन लिख लेते हैं फाई ई इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q इंटू 4 pi। अब हम ये 4 pi से 4 pi को कट कर देंगे तो हमारा क्या बचा फाई ई, जो फाई ई है ये हमारा क्या है वैद्युत फ्लक्स, और हमारा क्या बचा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने ये सिद्ध किया कि इसमें क्या होता है कि नहीं। तो हम एक बार फिर से ये देख लेते हैं ये क्या है, गॉस की परिमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये फाई ई होता है, उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश Q तथा 1/ε0 गुना होता है, यही गॉस की, इसे हम गॉस की परिमेय कहते हैं ना, गॉस की परिमेय के अनुसार फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने इसकी उत्पत्ति कैसे की वो हमने बताया कि एक बंद पृष्ठ लिया हमने, हाँ बंद पृष्ठ है, इस पे किसी इसके अंदर किसी बिंदु पर ओ है, उसे हम धन Q आवेश माना, हाँ इससे R दूरी पर एक बिंदु P माना हमने, हाँ तो ये P पर E वेक्टर तथा dA वेक्टर है, तो इनके दिन ये दोनों के बीच का जो कोण है ये थीटा है, ये एक S बंद पृष्ठ है, और ये जो ये परिबद्ध है, परिबद्ध मतलब घिरा हुआ है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का ये फाई ई है तथा इसमें ये पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरी हुई कुल आवेश क्यू तथा ये घिरी हुई इसमें जो आवेश होगा ये क्यू होगा तथा ये 1/ε गुना होता है। हाँ तो ये भी हमने आपको अभी अच्छे से समझा दिया और इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इतना आपको याद करना पड़ेगा कि चूंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा होता है और ये समाकलन चूंकि समाकलन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π होता है तो 4π से हमने 4π को हमने कट कर दिया क्योंकि ये गुणा में था ये भाग में था तो ये कट हो गया। कट होने के बाद हमारा क्या बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो हमने यही लिखा यहाँ पर फाइ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। ऑफ कोर्स दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।